कहा है इन्होंने कि चूंकि यह पत्र जो है संस्था के हेड का, ये डीएम को नहीं दिया गया, मुख्य सचिव को नहीं दिया गया, सचिव ने डीएम को नहीं दिया चिट्ठी, बल्कि सीधे संस्था ने उन डीएम को चिट्ठी दिया। इसलिए दिया डीएम को कि डीएम जान जाए कि यह सही संस्था है, विश्वास की संस्था है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड रहेगा तो वो देगा, डीएम को चिट्ठी नहीं देगा ना। तो ये डीएम को दिया है। अब जो है डीएम किसी सरकारी आदमी को चिट्ठी नहीं देगी। हाँ, बीच बीच में डीएम के साथ हम लोगों की बैठक हो सकती है, सरकारी आदमी नहीं आएगा उसके, लेकिन डीएम जो है हम लोगों के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन वो चिट्ठी जीओ को नहीं देंगे, डीपीओ को नहीं देंगे, डीओ को नहीं देंगे। आप काम कीजिए, वो आपका काम है, आप काम कीजिए। हम हैं तो आप हमको दे दिए चिट्ठी, हम काम कर सकते। ये हो, उसके लिए घबराना नहीं है। संस्थागत काम इसी तरह से होता है, संस्था का काम इसी तरह से होता है। हमने उन्हें तरह से अपना सब परिचय दे दिया। अब आप लोग अपना नाम बता दीजिए। विमल मारा का मेरा नाम है, ये आत्मा को कंठा हो गया। अब अपना बताइए। जोर जोर से बोलिए, जोर से सुनाई नहीं पड़ता है। आदम कुमार नाम है। विद्यालय चलाते उसमें आप लोग भी जो कोई भी एडमिशन लेना चाहिएगा या अपने परिवार के सदस्यों का गाँव को ला के लोगों का बी एड कर सकते हैं। यहाँ जैसे बी एड कर लीजिएगा संगीत में, चित्रकला में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, ये सब में, वाद्य वादन में, इसमें बी एड कर लीजिएगा तो आपको डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं है और क्या कहते हैं बीएड करने की आवश्यकता अलग से नहीं है और बीपीएससी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हाई स्कूल में। तो मेरा नंबर सभी के पास है, ग्रुप जो जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुए जो जहाँ दे पा रहे हैं। मैं अगवा हुआ अगर कोऑर्डिनेटर आगे बढ़ा और विशेष तो बताइए विमल जी बता ही दिए। ये हमारे हलवारू जी हैं, ये पुराने लोग हैं, पूरे ब्लॉक को चलाए हुए हैं, उन्हीं से मिल करके काम कीजिए, टीम बना कर।